दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन से प्लान के, और हमारे आज जो प्लान मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ये अपना ही प्लान समझिएगा, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी हैं और उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल क्रिएट किया गया है। इस प्लान को बनाने में काफ़ी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कारण ये रहा उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी, लेकिन फाइनली प्लान बनकर रेडी हो गया है। मैं बता दूँ इसका साइज क्या है, 22.6x41 22x41 में पूरा मॉडल बना हुआ है, जिसमें ईस्ट फेसिंग मकान है, मतलब पूरब में इसका मेन गेट रहेगा, हालांकि पश्चिम तरफ भी रोड है तो वहां पर इनकी दुकानें और एक गैलरी है। पूरा मॉडल भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। आज का जो प्लान होने वाला है मैंने ऐसे बनाया है दोस्तों कि आपका कम पैसे में लो बजट प्लान होने वाला, अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सा प्लान हो सकता है। क्योंकि इस मॉडल की बात करें, ग्राउंड फ्लोर मैंने क्रिएट किया है, ग्राउंड फ्लोर पर आप आसानी से, इसमें मैंने दो दुकानें भी सेटअप कर रखी हैं, गेस्ट रूम भी सेटअप कर रखा है, और लेट बाथ, स्टेयर्स, कार पार्किंग, सारी चीजें यहां पर मैंने क्रिएट कर रखी हैं। तो आपको मॉडल मैं दिखा देता हूं, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा प्लान है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ही नॉर्मल सा प्लान, मैंने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें नहीं ग्रेड कर रखी हैं। कार पार्किंग है, इसलिए बड़ा 8-8.5 फुट का गेट दिया है। यहाँ पर एक आपका गेस्ट रूम है, तो उसमें मैंने एक वेंटिलेशन के लिए आपका ना आपका विंडो भी दिया है, और यहाँ पर हालांकि वो यूपी पुलिस में है तो इस वजह से उनका मैंने नेम प्लेट भी यहाँ पर चस्पा कर रखा है, चिपका रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये तो फ्रंट एलिवेशन हो गया, मतलब ईस्ट फेसिंग पूर्व की दिशा में। अगर जस्ट इसकी पीछे बात करें वेस्ट में, तो उसको भी पहले मैं दिखा दिया था, ये इसका वेस्ट फेसिंग है, पीछे वाला भी रोड है, तो इसलिए वहां पर इन्होंने दो दुकानें नहीं चाहिए थी, तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया। तो ये देखिए दुकानें, टोटल 22.5 फीट है, उसमें 3.5 फीट का मैंने गैलरी, जो आप देख रहे हैं ना गेट, ये 3.5 फीट का गेट लगा है, जो गैलरी वहां बना है। बाद बाकी की स्पेस में आपकी दो दुकानें हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में मैंने शटर लगा रखा है, जहां से आप एंट्री कर पाएंगे। अगर आप घर में प्रवेश करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आप अपने पीछे से, मतलब कि पश्चिम दिशा से, या आप आगे से भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इनका रोड होने वाला है। मेन एंट्रेंस आपका इधर से रहेगा, इधर से मैंने कार पार्किंग भी दे रखी है। अब बात करते हैं कि इसका बाउंड्री वॉल देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा ग्रिल मैंने लगाया है यहाँ पर, कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं ग्रेड कर रखी है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इनका ग्राउंड फ्लोर है, सबसे देख सकते हैं आप पहले ये तीन पिलर, जो कि थोड़ा देखिए ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ये पीओपी वाला बनेगा, हालांकि पिलर बिल्कुल नॉर्मल बनाए जाते हैं, इसके बाद में सारी डिजाइनिंग होती है अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। इधर स्लोप है जहां से आप गाड़ी पार्क करेंगे, ये आपका 8.5 फीट का मेन दरवाजा होने वाला है, देख सकते हैं। इसके ऊपर एक ग्रिल भी मैंने दिया है 2 फीट का, तो 8.5x8 फीट का दरवाजा और 2 फीट का ऊपर मैंने ग्रिल दिया है। ये मेन डोर, इसमें सॉरी मेन विंडो है, जिसको मैंने फ्रेम से भी ढक रखा है। इसके जैसे आप एंट्री करते हैं, तो मेन डोर से जैसे एंट्री करेंगे तो ये देखिएगा आपका पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पर काफी चीजें आपके एडजस्ट होने वाली हैं। इस कॉर्नर पर इनका हैंडपंप, मतलब की मोटर लगने वाली है, समा जिसे बोलते हैं। तो गाड़ी की अगर मैं बात करें, जो अभी मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है, इसकी लंबाई की बात करें 12.5 फीट की है, ऊंचाई की बात करें तो ये 5.5 फीट की मैंने ऊंचाई रखी है, और चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी 6 फीट चौड़ाई रखी, तब भी स्पेस आपका देख सकते हैं काफी बच जाता है। बस मेन आता है कि आप जब एंट्री करेंगे ना, तब आपको बहुत आराम से एंट्री करनी होगी, बाद बाकी आपके स्पेस बन जाएगा। स्टेयर्स की बात करें दोस्तों, इस वॉल से इस वॉल तक लगभग 18 फीट जगह है, जिसको मैंने 8 फीट आगे छोड़ दिया है। इसके बाद स्टेयर्स आपकी स्टार्ट होता है, जीना चढ़ना स्टार्ट होता है, तो इधर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर आपको एक यहाँ पर मिलेगा स्पेस, इसके बाद आप टर्न होकर बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप छत पर पहुंच जाएंगे फाइनली। तो ये 6 फीट का, 3 फीट जाने के लिए, 3 फीट आने के लिए, 3 इंच का मैंने बीच में भी स्पेस दे रखा है, अगर ग्रिल वगैरह आप लगवाएंगे भविष्य में तो आसानी से लग जाएगा। अब बात करते हैं इस बार, ये गेस्ट रूम जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें ये विंडो दिया था कि ये गेस्ट रूम है, इसके लिए मैंने देखिए डोर यहाँ से दिया, एक विंडो अंदर भी दे रखा है, ये देख पा रहे होंगे, जिससे आप आसानी से वेंटिलेशन होता रहेगा। मैं जूम कर देता हूँ, तो ये गेस्ट रूम है, आप बेड और अपना सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इनका बड़ा सा लेट एंड बाथ है, हालांकि आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 पोर्शन में लेट बाथ अपनी बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफी बड़ा है, ये डोर मैंने दिया है। इसके बाद ये मेन डोर, जहां से एंट्री करेंगे आप आ जाएंगे डाइनिंग हॉल में या आंगन जिसे बोल सकते हैं, ये पूरा देख सकते हैं, और इधर आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इधर की बात करें तो इधर आपका किचन मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर रखा है, जो कि एक आप देख सकते हैं विंडो भी दिया है, यहाँ से मेन डोर है जहां से किचन में एंट्री करेंगे। पीछे ये देखिए दो आपकी दुकान है, मैं से वेस्ट टाइप से दिखाने की कोशिश करता हूँ, पीछे से
आप जब ये दोनों शटर है, ये दुकानें यहाँ से आप एंट्री करेंगे ना, तो गैलरी 3.5 फीट का गैलरी नुमा चला जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको मिल जाती हैं दुकानें। अब गेट की बात आती है, तो इस वाली दुकान में जाने के लिए आपको मैंने गैलरी से ही डोर दिया है, और इस वाली दुकान में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको डाइनिंग हॉल से एंट्री मैंने दी है, और ये वाला ये डोर है ये मैंने अंदर गैलरी की तरफ खुलने के लिए बोला, जो डायरेक्ट यहाँ पर इस तरफ को ऐसा खुल जाया करेगा। तो ये दो दुकानें, एक गेस्ट रूम, बड़ा सलेट बाथ, किचन, ये डाइनिंग हॉल, और एक कार पार्किंग स्टेयर्स आपको देखने को मिलती है ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर मैंने क्रिएट किया, मैं और मैक्सिमम जूम कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, ए टू जेड चीज़ आपको क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो ईस्ट से अगर आप देखेंगे, पूर्व से देखें तो आपको मकान ऐसा दिखने वाला है, अगर आप वहीं पश्चिम की बात करें तो आप ऐसा देख सकते हैं, इधर से आपका मकान ऐसा दिखेगा। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है, मैंने सारा यहाँ पर चीजें हटा दिया है, गुमटी नहीं क्रिएट किया है कुछ भी, क्योंकि इनका ऊपर भी मकान बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। तो सिर्फ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और सिंपल सी ग्रिल लगा रखी है, देख सकते हैं ग्रिल का डिजाइन। यहाँ बीच में मैंने यहाँ पर गणेश जी का फोटो लगा रखा है, अगर आप चाहते हैं तो लगाए, अगर आपका मन बनता है तो। पीछे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा ग्रिल मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये ओवरऑल मकान बनकर रेडी हो जाता है 22.6x41 में, जो कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग दोनों साइड रोड होने वाला है, लेकिन मेन डोर इनका ईस्ट वेस्ट में होने वाला है। यहाँ पर मैंने नेम प्लेट वगैरह भी लगा रहा है। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, आप हमें अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं स्मार्ट हाउस प्लान से, तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल्स देता रहता हूँ, जो एक ऐसे मॉडल होते हैं जिन्हें आप बनवा सकते हैं। हालांकि मैंने YouTube पे बहुत सारे ऐसे मॉडल देखे कि बहुत सारे मॉडल पड़े हैं, लेकिन वो इतना उसमें पैसा लगने वाला है कि जो एक मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा है शायद ना बनवाए। तो मैं ऐसे प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ जो कोई भी व्यक्ति आसानी से बना सके, लो बजट प्लान हो। अगर प्लान आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।